नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां सेना के 4 जवान एक भीषण हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार हादसा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुआ, जहां गुरुवार दोपहर बाद सेना के एक वाहन में आग लग गई। इस हादसे में 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। स्थानीय पुलिस के साथ साथ सेना के जवानों और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सेना के वाहन में आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार यह हादसा पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां सेना के एक वाहन में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि शहीद हुए जवानों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। हादसे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। सेना के जवानों को ले जा रही एक गाड़ी में आग लगने से 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। यह हादसा जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ। गुरुवार को सेना के जवानों को ले जा रहा वाहन अचानक से बीच सड़क पर आग लग गई। इसमें कुछ जवान बुरी तरह से झुलस गए, वहीं 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। घटना के बाद राजमार्ग पर अफरा तफरी का माहौल है। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। घायल जवानों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में भारतीय सेना के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आई है। पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर एक सेना की गाड़ी में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। यह हादसा भाटा दुईया क्षेत्र में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही आर्मी के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे का पता चलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस और सेना को भी सूचित कर दिया गया। वाहन में आग कैसे पकड़ी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सेना की इस गाड़ी में हथियार के अलावा डीजल भी मौजूद था, जिस वजह से आग और बढ़ गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, इलाके में बारिश हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके ट्रक की आग पर काबू नहीं पाया गया। हादसे में शहीद हुए 4 जवान हादसे में 4 जवान शहीद हो गए हैं और अन्य जवान बुरी तरह से झुलस गए हैं। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले वीर जवानों की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।